नमस्कार दोस्तों, कानपुर की रसोई में आज हम आपको बहुत ही अच्छा उपमा बनाना सिखा रहे हैं। आजकल हम अपनी बेटी के घर आए हुए हैं, वहीं पर ही आपको हम यहाँ पर बनाना सिखा रहे हैं। ये इसके लिए हमने क्या करा है, देखिए मैंने एक ये कप ये मैंने रवा लिया हुआ है। ये महीन वाला सूजी या मोटे सूजी का भी बना सकते हैं। इसको मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने मटर लिया है, एक मैंने प्याज काट के रखा हुआ है और थोड़ी सी आधी शिमला मिर्च, एक कैरेट गाजर है, थोड़ा सा काजू और किशमिश, और ये मैंने बीन्स काटी हुई है, एक मैंने हरी मिर्च क्योंकि बहुत ही स्पाइसी है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये मैंने मीठी नीम ली हुई है, ये राई और ये नमक। आप इसमें सब्जियाँ जितनी हैं आप उतना डाल सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, आप जितनी घर में हो उतना डाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैंने ये गैस ऑन कर ली है। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे। आप इसको बनाइए, खाने में ये बहुत ही स्वाद वाला होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट ये आप आराम से इससे करिए। ये देखिए हल्का हल्का ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा होने लगा। इसको भूनने में आप इसको स्लो फ्लेम में ही बनाइए। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, इसको 5 मिनट लग जाता है। इसको हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा, लो फ्लेम में ही, नहीं तो इसका फिर स्वाद ना सूंदापन नहीं रहेगा। अब ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसको हम इसमें बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आप काजू है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसको हल्का हल्का ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमने इसमें वो मैंने निकाल लिया काजू बोल कर, अब ये मैंने इसमें ड्राई डाली, ये मैंने और ये देखिए आपको मैंने बताया नहीं था, ये मैंने थोड़ी चने की दाल डाली हुई है 1 चम्मच, और ये मैंने उड़द की दाल है खड़ी वाली, आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रोस्ट करेंगे। आप इसको बना के खाइए, आपको बहुत ही स्वाद वाला लगेगा। अब मैंने ये प्याज डाल दिया, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें और भी सब्जियाँ मुझे पकानी है। इस दाल डालने से इसमें स्वाद में आप इसमें कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं, हमको नहीं डालना है।
रिश्ता होने लगा है ये। अब इसमें मैंने ये मटर डाल दी। इस तरीके से सारी सब्जियां इसमें हम डाल कर, ये मैंने गाजर डाला, आपके पास जो भी घर में सब्जियां हैं वही डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्याज जरूर पड़ेगा, और ये है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दी, और ये मैंने 20 ये मैंने काट के जो मिर्च रखी हुई थी हरी मिर्च उसको मैंने, आप डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालिए, उससे फिर ये झाग आता है। ये हम ये देखिए हम अंदाजा से हिसाब से स्वाद अनुसार ये साल्ट नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालिए, इससे ये सीझेगा और ये जल्दी सब्जी पकेगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको बहुत गलाना भी नहीं है, अब ये हम इसमें जो हमने भून के सूजी रखी हुई थी ये देखिए, ये एक बाउल था, ये इसमें मैंने पानी गर्म करके रख लिया, आप गर्म करके डालेंगे तो इसका बहुत ही अलग ही दाने खिल के आते हैं इसमें। ये मैंने एक बाउल है तो ये मैंने एक कप, ये हम 3 बाउल का ये डालेंगे। गर्म पानी डालने से क्या होता है, इसमें जो ये इसका ये दानी है ये एकदम खिला खिला होता है, ठंडे पानी में इतना अच्छा नहीं बनता है। इसको अच्छे से आप बता दीजिए, ये बन के पक के भी अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा अब इसमें हम लास्ट में ये मैंने लेमन जूस रखा हुआ है इसको हम डालेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया, ये देखिए
का इसको हम बंद कर देंगे। ये ऊपर से हम इसमें ये जो मैंने काजू और ये किशमिश रखी हुई थी ये मैंने इसमें डाल दिया। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये मैंने धनिया की पत्ती डाल दी। अब इसको हम ये देखिए हमारा बनकर फिर तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए हमारा खाइए कितना अच्छा ये बना हुआ है। खाइए और खिलाइए। और आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और खाइए और खिलाइए, आपको पसंद आए तो आप बनाकर सारे घर को खिलाइएगा। और यदि पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके कमेंट के इंतज़ार में रहेंगे, आपको कैसा लगा आप बनाइएगा ज़रूर। धन्यवाद।